28। कबीले कुरैश में जो हैसियत कभी खालिद रजी अल्लाह ताला बिन वलीद को हासिल थी, वैसा ही दबदबा मालिक बिन औफ का अपने कबीले पर था। हमने बहुत खा लिया, मालिक बिन औफ ने रक्स रोका और मेजबानों और मेहमानों से खिताब किया। हम शराब के मटके खाली कर चुके हैं, हम थरकती हुई जवानियों से लुत्फंदोज हो चुके हैं। क्या हमारे मेहमानों ने यह नहीं सोचा कि यह जियाफत और जश्न की तकरीब क्या है? मैंने तुम्हें कोई खुशी मनाने के लिए इकट्ठा नहीं किया। ए अहले हवाजिन, मैंने तुम्हारी गैरत को जगाने के लिए तुम्हें अपने यहां बुलाया है। हवाजिन की गैरत सोई कब थी मालिक बिन औफ? कबीले हवाजिन के एक सरदार ने कहा। बता, हमारी गैरत को किसने ललकारा है? मुसलमानों ने, मालिक बिन औफ ने कहा। मोहम्मद ने। क्या तुम मोहम्मद को नहीं जानते? क्या तुम भूल गए हो उस मोहम्मद को जो अपने चंद एक साथियों के साथ मक्के से भाग कर यसरब चला गया था? जानते हैं, दो तीन आवाजें उठी। अच्छी तरह जानते हैं, वो अपने आप को खुदा का नबी कहता है, हम उसे नबी नहीं मानते। एक और आवाज उठी, कोई नबी होता तो हम में से होता, जो अहले सकीफ हैं, हवाजिन के कबीले से होता। वो नबी है या नहीं? मालिक बिन औफ ने कहा। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिस मक्का से मोहम्मद भागा था, उस मक्का का अब वो हाकिम है। मक्का में उसका हुक्म चलता है और उसकी जंगी ताकत बढ़ती जा रही है। कबीले कुरैश उसके आगे हथियार डाल चुका है और उसके मजहब को कबूल करता चला जा रहा है। अबू सुफियान, अकरमा और सफवान जैसे जाबिर जंगजू मोहम्मद का मजहब कबूल कर चुके हैं। खालिद बिन वलीद ने पहले ही यह नया मजहब कबूल कर लिया था। मुसलमानों ने मक्के में तमाम बुत तोड़ डाले हैं। अहले कुरैश को अपनी गैरत और अपने मजहब का पास होता तो वो अपनी तलवारें अपने पेटों में घोंप देते। किसी और ने कहा। अब सितारों से धरा यह आसमान देखेगा कि हवाजिन और सकीफ को अपनी गैरत का कितना पास है। मालिक बिन औफ ने कहा। क्या तू ये चाहता है कि हम में से कोई मोहम्मद को कत्ल कर दे? कबीले हवाजिन के एक सरदार ने कहा। अगर तू यही कहना चाहता है तो ये काम मेरे सुपुर्द कर। अब मोहम्मद को कत्ल कर देने से कुछ हासिल नहीं होगा, मालिक बिन औफ ने कहा। उसे कत्ल कर दोगे तो उसके पैरोकार उसे अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वो एक आदमी के कत्ल से उसके रास्ते से नहीं हटेंगे जिस पर उन्हें डाल दिया गया है। कहते हैं मोहम्मद के हाथ में कोई जादू आ गया है, हवाजिन के एक सरदार ने कहा। वो जिस पर निगाह डालता है वो उसका मुती हो जाता है। जहां तलवार चलती है वहां कोई जादू नहीं चल सकता, हवाजिन कबीले के एक और सरदार ने अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रखकर कहा। मालिक, आगे बोल, क्या कहता है तू? हम तेरे साथ हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमने मोहम्मद के इस्लाम को न रोका तो ये सैलाब की तरह बढ़ता हुआ हम सबको बहा ले जाएगा। मालिक बिन औफ ने कहा। न हवाजिन रहेंगे न सकीफ का वजूद होगा। कबीले कुरैश को महकूम बनाने वालों को हम मक्के के अंदर ही खत्म कर देंगे। क्या तुम महकूम बन जाने का मतलब समझते हो? मालिक बिन औफ ने सबकी तरफ देखा और बोला, अगर नहीं समझते तो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने अपने पीछे देखा। मालिक बिन औफ के पीछे मेहमानों में एक मुअम्मर सफेद रीश बैठा था। उसका रंग दूसरों की निस्बत साफ और सफेदी माइल था। वो ज़ईफ इतना था कि उसका सर हिलता था और कमर में हल्का सा खम था। उसके हाथ में अपने कद जितना लंबा आसा था। कंधों से टखनों तक चोगा बताता था कि वो कोई आलिम या मजहबी पेशवा है। मालिक बिन औफ के इशारे पर वो उठा और मालिक के पास आ गया। तुम पर उसकी रहमत हो जिसने तुम्हें पैदा किया है, बूढ़े ने कहा, और वो देवता तुम्हारे बच्चों के मुहाफिज हों जिनकी तुम पूजा करते हो। तुम महकूमी और गुलामी का मतलब नहीं समझते तो मुझसे पूछो। मेरी चार जवान बच्चियां मुसलमानों की लौंडियां हैं और मेरे दो जवान बेटे मुसलमानों के गुलाम हैं। वो तेग जन और शह सवार थे, लेकिन अब उन्हें तलवार हाथ में लेने की और घोड़े पर सवार होने की इजाजत नहीं। हमें घरों से निकाल दिया गया। क्या तुम्हें याद नहीं कि कुरैश ने मदीना का मुहासरा किया था तो मुसलमानों ने इर्द गिर्द खंदकें खोद ली थी। कुरैश इस खंदक को फलांग नहीं सके थे। फिर इस कदर तुंद तेज तूफान आया कि कुरैश जो पहले ही बददिल हो चुके थे
बिखर गए और मक्का को वापस चले गए। जब मुसलमानों के सर से खतरा टल गया तो उन्होंने उन यहूदियों पर हल्ला बोल दिया जो उनके साथ मदीने में अमन से रहते थे। उन यहूदियों को उन्होंने कत्ल कर दिया और उनकी औरतों को और उनके बच्चों को आपस में बांटकर उन्हें लौंडियां और गुलाम बना लिया। ए बुजुर्ग, कबीले सकीफ के एक सरकर्दा आदमी ने बुलंद आवाज में कहा, अगर तू यहूदी है तो क्या हमने गलत सुना था कि तेरे कबीले ने मुसलमानों को धोखा दिया था? तुमने जो सुना दुरुस्त सुना था। बूढ़े ने कहा, हमारा धोखा कामयाब नहीं हुआ था। हम मुसलमानों की पीठ में खंजर उतारना चाहते थे लेकिन कुरैश पीठ दिखा गए। मुसलमानों को धोखा देकर कमजोर करना हमारा फर्ज था लेकिन मुसलमानों की तलवारों ने हमें कमजोर कर दिया। तो जो बनी इसराइल से है, क्या हमें उकसाने आया है कि हम मुसलमानों से तेरे कबीले के खून का इंतकाम लें? सकीफ के कबीले के एक सरदार ने। एक और ज़ईफ़ुल उम्र शख्स उठकर खड़ा हो गया। उसका नाम दरीन बिन सुम्मा था। उसका नाम तारीख में तो मिलता है लेकिन ये पता नहीं मिलता कि वो कबीले हवाजिन से था या कबीले सकीफ से। खामोश रहो, दरीन बिन सुम्मा ने गरज कर कहा, हम बनी इसराइल के खून का इंतकाम नहीं लेंगे। क्या तुम अभी तक शक में हो? क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि हमने मुसलमानों पर हमला करके उनका खून अपनी तलवारों को न पिलाया और उनके जख्मों को घोड़ों तलवे न रोंदा तो वो हमें भी कत्ल करके तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को और तुम्हारी बीवियों को अपनी लौंडियां बना लेंगे और हमारे बच्चों को अपना गुलाम बना लेंगे। इससे पहले कि उनके घोड़े ताइफ की गलियों में हिनहिनाएं, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हमारे घोड़े उनकी लाशों को मक्का की गलियों में कुचलते फिरे? मालिक बिन औफ ने जोश से लरसती हुई आवाज में कहा, बनी इसराइल का ये बुजुर्ग हमारी पनाह में आया है। उसने अपने कबीले का जो अंजाम बताया है मैं तुम्हें उसके अंजाम से बचाना चाहता हूँ। उठो और लात के नाम पर हलफ उठाओ कि हम मोहम्मद और उसके तमाम पैरोकारों को जिन्होंने मक्का के तमाम बुत तोड़ डाले हैं खत्म करके अपनी औरतों को अपने मुंह दिखाएंगे। उस जमाने में जब इस्लाम की किरणें मक्का से फैल रही थीं, अरब में बुत परस्ती आम थी। वो खुदा को भी मानते थे लेकिन खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए वो बुतों के आगे हाथ फैलाते थे। उनका अकीदा था कि बुतों को राजी किए बगैर खुदा को राजी नहीं किया जा सकता। बुतों की खुशनुदी के लिए वो कुछ रस्में अदा करते थे। ताइफ के इलाके में जिस बुत को पूजा जाता था उसका नाम लात था, जो इंसानी या हैवानी शक्ल का नहीं था। वो बहुत बड़ा पत्थर था जिसे चट्टान कहा जा सकता था। ये चट्टान बाकायदा मुरब्बा शक्ल की थी। बाज मौर्रिखों ने लिखा है कि ये मुरब्बा शक्ल का कुदरती तौर पर बना हुआ चबूतरा था जिस पर शायद किसी जमाने में कोई बुत रखा गया हो, लेकिन तुलू इस्लाम के दौर में ये सिर्फ चबूतरा था और इर्द गिर्द के कबाइल इसी को पूछते थे। जनवरी 630 ईस्वी की उस रात जब कबीले हवाजिन के सरदार कबीले सकीफ की दावत पर ताइफ आए और मालिक बिन औफ और दुरैद बिन सुम्मा उन्हें मक्का पर हमले के लिए उकसा रहे थे, हवाजिन के एक सरदार ने मशवरा दिया कि काहिन को बुलाकर फाल निकलवाई जाए कि हमारा हमला कामयाब होगा या नहीं। ये फाल तीरों के जरिए निकाली जाती थी जिसे इजलाम कहते थे। बहुत से तीर इकट्ठे रखे होते थे, किसी पर हाँ लिखा होता था और किसी पर ना। बुत का कोई मुजाविर या काहिन मजहबी पेशवा इस तरकश से एक तीर निकालता और देखता था कि उस पर हाँ लिखा है या ना, ये फाल का जवाब होता था। मुजाविर की निस्बत काहिन को बेहतर समझा जाता था। काहिन दानिशमंद होते थे, उनके पास पुर असर और दिल में उतर जाने वाले अल्फाज का जखीरा होता था और उनके बोलने का अंदाज तो हर किसी को मुतासिर कर लेता था। काहिन फाल निकाले बगैर गैब की खबरें दिया करते और लोग उन्हें सच माना करते थे। अगली सुबह हवाजिन और सकीफ के सरदार एक काहिन के सामने बैठे हुए थे। उनमें से किसी ने अभी बात भी नहीं की थी कि काहिन बोल पड़ा, अगर मैं गैब की खबर दे सकता हूँ और आने वाले वक्त में भी झांक कर बता सकता हूँ कि कैसा होगा और क्या होगा, तो क्या मैं ये नहीं बता सकूंगा कि तुम्हारे दिलों में क्या है? उसने कहा, तुम अपनी जबानों को साकिन रखो और मेरी जबान से सुनो कि तुम क्या कहने आए हो। तुम जिस दुश्मन पर हमला करने जा रहे हो वो यूं समझो कि सोया हुआ है। उसने मक्का पर कब्जा किया है और वहां के इंतजाम सीधे कर रहा है। वो अपनी बादशाही की बुनियादें पक्की कर रहा है। मक्के में उसके दुश्मन भी मौजूद हैं। हर किसी ने मोहम्मद का मजहब कबूल नहीं किया। मुकद्दस काहिन दुरैद बिन सुम्मा ने कहा, हमें ये बता
कि हम मोहम्मद को खबर होने से पहले उसको दबोच सकते हैं? क्या हमारा अचानक हमला मक्का के मुसलमानों को घंटों बिठा सकेगा? काहिन ने आसमान की तरफ देखा, कुछ बड़बड़ाया और बोला, आने वाले वक्त के पर्दों को चाक करके देखा है। तुम्हारा हमला अचानक होगा। मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी। कौन है जो बरसती तलवारों में संभल कर अपने आप को बचाने की तरकीब कर सकता है? यही वक्त है, यही मौका है। मुसलमान अगर संभल गए तो तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकोगे। फिर मुसलमान तुम्हारे घरों तक तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारे खजानों को और तुम्हारी औरतों को तुम्हारी लाशों के ऊपर से गुजार कर अपने साथ ले जाएंगे। अज़लाम की जरूरत नहीं, लाथ ने इशारा दे दिया है और पूछा है कि मुझे पूजने वालों की तलवारें अभी तक नयामों में क्यों हैं? कोई कुर्बानी? एक सरदार ने पूछा। हाम, काहिन ने कहा। एक हाम, अगर है तो दे दो, नहीं है तो अपने कबीले से कहो कि पीठ न दिखाएं, अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दें। हाम की तलाश में वक्त जाया न करें। जाओ, मैंने तुम्हें खबर दे दी है, मक्का में मुसलमान दूसरे कामों में मसरूफ हैं, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं, ये वक्त फिर नहीं आएगा। हाम उस ऊंट को कहते थे जिसकी चौथी नस्ल पैदा हो जाती थी। उसे ये लोग अपने बुत के नाम पर खुला छोड़ देते थे। उस ऊंट को मुतबर्रिक समझकर उस पर न कोई सवारी कर सकता था, न उससे कोई और काम लिया जाता था। उस पर खास निशान लगा दिया जाता था। उसे जो कोई देखता था उसका एहतराम करता और उसे अपने खाने की चीजें खिला देता था। जब हवाजन और सकीफ के सरदार काहिन की आशीर्वाद लेकर चले गए तो काहिन अंदरूनी कमरे में चला गया। वहां वो बूढ़ा यहूदी बैठा हुआ था जिसे गुज़िश्ता रात ज़ियाफ़त के दौरान मालिक बिन औफ ने इशारे से कहा था कि वो सबको बताए कि महकूमी और गुलामी क्या होती है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, काहिन ने उससे कहा। अब ये लोग मक्का की तरफ कूच में ताखिर नहीं करेंगे। क्या इन्हें कामयाबी हासिल होगी? बूढ़े यहूदी ने कहा। कामयाबी का इन्हिसार इनके लड़ने के जज्बे और अकल पर है, काहिन ने कहा। अगर इन्होंने सिर्फ जोश और जज्बे से काम लिया और अकल को इस्तेमाल न किया तो मोहम्मद की अस्करी काबिलियत उन्हें बहुत बुरी शिकस्त देगी। मेरा इनाम? तुम्हारा इनाम साथ लाया हूँ, बूढ़े ने कहा और आवाज दी। दूसरे कमरे से एक हसीन लड़की आई। बूढ़े यहूदी ने अपने चौके के अंदर हाथ डालकर सोने के दो कड़े निकाले और काहिन को दे दिए। मैं कल सुबह इस लड़की को ले जाऊंगा, बूढ़े ने कहा। मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, काहिन ने कहा। मैंने तुम्हारे कहने पर उन लोगों को कहा है कि फौरन हमला कर दें, लेकिन इन सरदारों में समझ बूझ है, हालात को समझ लेते हैं। इनका बूढ़ा सरदार दुरैद बिन सुम्मा पहले से जानता था कि मुसलमान मक्के में अभी जम कर नहीं बैठ सके। उनके सामने और बहुत से मसले हैं, उन पर हमले के लिए यही वक्त मौजू है। हवाजन और सकीफ के सरदार अपने इरादे की तस्दीक के लिए मेरे पास आए थे। अच्छा हुआ उनसे पहले तुम चोरी छुपे मेरे पास आ गए। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को खत्म किया जाए, बूढ़े यहूदी ने कहा। मुअर्रिख लिखते हैं कि हवाजन और सकीफ दो ताकतवर कबीले थे। मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो उन दोनों कबीलों को यह खतरा महसूस हुआ कि दोनों के लोग अलग अलग बस्तियों में रहते हैं और बस्तियों की तादाद ज्यादा है और ये एक दूसरे से दूर दूर भी हैं। मुसलमान हर बस्ती पर काबिज होकर दोनों कबीलों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने सोचा कि कबीले को मुत्तहिद करके मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जाए। दोनों कबीले लड़ने वाले आदमियों को साथ लेकर हुनैन के करीब उतास के मकाम पर ले गए। उनके सरदारों ने छोटे छोटे कई और कबाइल को इस किस्म के पैगाम भेजकर कि मुसलमान इन बस्तियों को तबाह बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं अपना इत्तहादी बना लिया। इस मुत्तहिदा लश्कर की तादाद 12,000 हो गई थी। इसका सिपह सालार मालिक बिन औफ था। उसने लश्कर के हर आदमी को इजाजत दे दी थी कि वो अपनी बीवी बच्चों और मवेशियों को साथ ले आए। उसने इस इजाजत का जवाब ये पेश किया था कि मक्के का मुहासरा बहुत लंबा भी हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो लश्करियों को अपनी बीवी बच्चों और मवेशियों का गम न होगा कि मालूम नहीं कैसे होंगे। इस इजाजत से तकरीबन सब ने फायदा उठाया था। इस तरह जितना लश्कर लड़ने वालों का था उससे कहीं ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों की थी। ऊंट भी बेशुमार थे। दुरैद बिन सुम्मा बहुत बूढ़ा था, वह मैदान जंग में जाने के काबिल नहीं था, लेकिन लड़ने और लड़ाने का जो तजर्बा उसे था वो किसी और को नहीं था।
سپہ سالار مالک بن عوف کو بنایا گیا، لیکن اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ وہ بہت جوشیلا تھا۔ دریت کو اس کے تجربے کی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ دریت بن سما اس وقت اس لشکر میں شامل ہوا جب لشکر اوتاس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ وہ شام کے وقت پہنچا، اسے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں، اس نے بکریوں اور گدھوں کی آوازیں بھی سنی۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ لشکر کے ساتھ بچے، بکریاں اور گدھے کون لایا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ سپہ سالار نے بال بچے اور مویشی ساتھ لے جانے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ انہیں ساتھ لانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ مالک دریت بن سما نے مالک بن عوف کے خیمے میں جا کر پوچھا، یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے ایسا لشکر پہلی بار دیکھا ہے جو لڑنے والے لشکر کی بجائے نقل مکانی کرنے والوں کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری جنگی فہم و فراست پر ذرا سا بھی شک نہیں میرے بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ تم ساری عمر نہیں سوچ سکتے۔ میں نے لشکریوں سے کہا تو یہ ہے کہ محاصرہ لمبا ہو جانے کی صورت میں انہیں اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کے متعلق پریشانی پیدا نہ ہو جائے، لیکن میں نے سوچا کچھ اور ہے۔ میں مکے کو محاصرے میں نہیں لوں گا بلکہ یلغار کر دوں گا۔ مسلمانوں کو ہم بے خبری میں جا لیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان لڑنے میں کتنے تیز اور عقل مند ہیں، وہ پینترے بدل بدل کر لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آدمی ان کی بے جگری کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ وہ جب دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں، ان کی جوان بیٹیاں اور بچے اور دودھ دینے والے مویشی بھی ساتھ ہیں، تو وہ انہیں بچانے کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑیں گے اور زیادہ بہادری سے لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تجربہ عمر سے حاصل ہوتا ہے مالک، دریت نے کہا۔ تیرے پاس جذبہ ہے، غیرت ہے، جرت ہے، لیکن عقل تیری ابھی خام ہے۔ لڑائی میں ان لوگوں کا دھیان آگے نہیں پیچھے ہوگا، یہ یہی دیکھتے رہیں گے کہ دشمن پہلو سے یا عقب سے ان کے بال بچوں تک تو نہیں آ گیا۔ دشمن جب ان پر جوابی حملہ کرے گا تو یہ تیزی سے اپنی بیوی بچوں تک پہنچیں گے کہ یہ دشمن سے محفوظ رہے۔ تو بہت بڑی کمزوری اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ محمد کی جنگی قیادت کو تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک قابل سالار ہے۟ وہ تیری اس کمزور رگ پر وار کریں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ تیرے لشکر کی عورتیں اور بچوں کو یرغمال میں لے آئیں۔ انہیں دور پیچھے رہنے دو اور مکہ کو کوچ کرو۔ احترام کے قابل بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، تم بہت پرانی باتیں کر رہے ہو۔ تم نے محسوس نہیں کیا کہ اتنی لمبی عمر نے تمہیں تجربوں سے تو مالا مال کر دیا ہے، لیکن عمر نے تمہاری عقل کمزور کر دی ہے۔ میں سپہ سالار ہوں تو میرا حکم چلے گا۔ میں جہاں ضرورت سمجھوں گا تم سے مشورہ لے لوں گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دریت بن سما یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ موقع آپس میں الجھنے کا نہیں تھا۔ تم لشکر سے کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، مالک بن عوف نے کہا، جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتائے بغیر کروں گا۔ دریت نے کہا، مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی، لڑا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے خیمے میں جا کر قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور اتنا ہی کہا، جب حملہ کرو گے تو تمہارا اتحاد نہ ٹوٹے۔ تمام لشکر سے کہہ دو کہ حملے سے پہلے تلواروں کی نیامیں توڑ کر پھینک دیں۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ لڑائی میں جب کوئی اپنی نیام توڑ دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص لڑتا ہوا جان دے دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا اور شکست نہیں کھائے گا۔ نیام توڑنے کو وہ فتح یا موت کا اعلان سمجھتے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ دریت بن سما نے قبیلوں کے سرداروں سے کہا ہو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اوتاس ہی میں رہنے دیں، لیکن دو مورخین لکھتے ہیں کہ لڑائی کے وقت صرف حوازن قبیلہ تھا جس نے اپنی عورتوں، بچوں اور بکریوں وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ اتنے زیادہ قبیلوں کی متحد فوج مسلمانوں کو تہس نہس کرنے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جنگ خندق میں اتنے زیادہ قبیلے مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ اب مالک بن عوف اس امید پر متحد فوج کو لے کر جا رہا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک ٹوٹ پڑے گا۔ اس لشکر کو اب اوتاس سے مکہ کو کوچ کرنا تھا اور اس کوچ کی رفتار بہت تیز رکھنی تھی۔ اوتاس میں لشکر کا قیام اس لیے زیادہ ہو گیا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو وہاں اکٹھا ہونا تھا۔ اگر اس لشکر میں صرف لڑنے والے ہوتے تو لشکر فوراً مکہ کی طرف پیش قدمی کر جاتا۔ اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے اور ان کا سامان بھی تھا، اس لیے وہاں سے کوچ میں خاصی تاخیر ہو گئی۔ اس دوران مکہ کی گلیوں میں ایک للکار سنائی دی، مسلمانوں ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔
وہ ایک چتر سوار تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اعلان کرتا جا رہا تھا، خدا کی قسم میں جو دیکھ کر آیا ہوں وہ تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، کیا شور مچاتے جا رہے ہو؟ کسی نے اس سے کہا، رکو اور بتاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ رسول اللہ کو بتاؤں گا، وہ کہتا جا رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، حوازن اور ثقیف کا لشکر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے ہزاروں لوگ اوطاس کے قریب خیمہ زن ہیں، اور ان کا ارادہ مکہ پر حملہ کرنے کا ہے، اور وہ کوچ کرنے والے ہیں۔ اللہ